आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बच्चों की बहुत ही फेवरेट डोरा केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये नो फेल रेसिपी है। आप फर्स्ट टाइम भी अगर इसे बनाएंगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी, ये गारंटी मैं लेती हूँ। और ये वीडियो को पूरा देखिए और देखिए मैंने ये सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पंजी, सुपर टेस्टी रेसिपी कैसे बनाई है डोरा केक की। बहुत ही ईजी है और मेरी बेबी ने तो इसे खा के बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, तो आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए घर पर इसे बनाइए। वैसे तो इसमें मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी इसे बनाने के, और अगर ये आपका डोरा केक ख़राब होता है तो क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। बहुत ही इजी रेसिपी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर आप मेरे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दिया करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ चीज़ें चाहिए हमें बनाने के लिए, तो मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। यहाँ पे जो है ये मैदा है, ये 1 कप मैदा है। आप इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा, पर गेहूं के आटे से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता, ये मैदे से ही बहुत सुपर डुपर टेस्टी बनता है। 1 कप मैदा, 1/2 कप यहाँ पे शक्कर, शुगर पाउडर लिया है मैंने, ये घर पे ही मैंने पीसा है। इसके साथ यहाँ पे देखिए 1/4 कप मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, दूध का मिल्क पाउडर लिया है। ये वो मिल्क है जो बेबी को हम लोग पिलाते हैं ना, वो वाला मिल्क फ़िलहाल मेरे घर में था तो मैंने वो ले लिया है। आप प्योर दूध का कोई भी पाउडर ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून मैंने हनी लिया है, शहद, और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, जो नॉर्मल सोडा हम इडली वगैरह में यूज़ करते हैं वो। इसके साथ यहाँ पे 1 कप दूध लिया है, साथ में ये 40 रुपीज़ वाली डेरी मिल्क मैंने ले ली है। आप इसके जगह पीनट्स बटर या चॉकलेट्स के सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें चाहिए बेसिक सी, जो कि मैंने आपको बराबर बता दिया कि मैंने क्या क्या कितना लिया है। अब यहाँ पे एक बोल ले लिया है मैंने, और बोल में मैं मैदा डाल रही हूँ। तो आप, मैंने बोला अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप आटे से भी बना सकते हैं, वैसे ही ये आटे से इतना टेस्टी नहीं बनता जितना मैदे से। तो यहाँ पे पीसे शक्कर और मैंने दूध का पाउडर भी डाल दिया है और सोडा डाल दिया है। सारी ड्राई चीज़ों को ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे इन्ग्रीडियंट अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। और इसके बाद हमें दूध डालकर इसका थोड़ा गाढ़ा बैटर हमें बना के तैयार करना है। तो थोड़ा सा दूध डालूंगी पहले मैं, बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे। 1/2 कप मिल्क मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में चलाना है आपको कंटिन्यू, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ने जो सोडा डाला है उसकी वजह से हमें इसे एक ही डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, कुछ देर बाद ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा मिल्क और ऐड करूँगी, सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून, बस इतना ही, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए, ये रिबन की तरह गिरना चाहिए, ये परफेक्ट है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है हनी। सब मिक्स करने के बाद हम इसमें हनी ऐड करेंगे। तो हनी से क्या होता है ना, इसका कलर भी बहुत बढ़िया आता है और इसके साथ में इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। हनी ऐड करने से इसका कलर है ना बहुत अच्छा था। मैंने एक बार बनाया था, उसमें मैंने हनी ऐड नहीं किया तो उसका कलर इतना अच्छा नहीं आया था जितना अच्छा हनी ऐड करने पर आया है। तो यहाँ पर इसे मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में ये बैटर जो है ये बन के रेडी है। अब हमें इसे साइड में रखना है, और इसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया था। तो ये देखिए, परफेक्ट बैटर बनके हमारे यहाँ पे रेडी हो चुका है। साइड में रखते हैं। 1 कप मिल्क में 1/4 कप मिल्क बच गया है तो हमें ये यूज़ नहीं करना है। तो 1/3 कप ही मिल्क हमें इसमें यूज़ करने के लिए लगा है। यहाँ पे देखिए, एक पैन गर्म करने रखा है मैंने, एक तवा रख दिया है मैंने। और कोशिश करिए कि नॉन स्टिकी पैन ले, नॉन स्टिकी तवा ले आप, और इस पर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, उसके बाद तेल को साफ़ कर लीजिए। हमें इसमें तेल यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, तेल का काम बस इतना है कि एक बार तवे या बर्तन को चिकना कर ले बस। इसके बाद यहाँ पे देखिए, एक ही स्पून से, एक ही चम्मच या एक ही चीज़ आप लीजिए जिससे आप बार बार बैटर डालें। इससे क्या होगा ना, आपका जो केक है वो सब एक ही साइज़ का बनेगा। तो यहाँ पे एक बार सारा बैटर डाल दीजिए, और इसके बाद इसे कुछ भी मत करिए, इसे छूइए मत, टच मत करिए, ये अपने आप अपना शेप ले लेगा। बस इसे ऐसे डाल करके बैटर को और छोड़ दीजिए। देखिए, जितना गिरे उतना गिरने दीजिए, उसके बाद बस छोड़ दीजिए, और इसे ढक करके 2 मिनट तक अच्छी तरह से पकने दें। गैस का फ्लेम आपको एकदम स्लो रखना है और 2 मिनट तक इसे पकने देना है। उसके बाद देखिए, इसे ओपन करके पलट दीजिए। इसका कलर आप देख रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका कलर देखिए, खूब समझ सकते हैं कि कितना परफेक्ट ये डोरा केक बना है। और इसे फिर से ढक देते हैं ताकि दूसरी तरफ भी पक जाए, और दूसरी तरफ भी हमें सिर्फ कुछ सेकेंड तक पकाना है, और उसके बाद जो ये डोरा केक का बेस है ना, ये बन के रेडी है। कितना यम्मी दिख रहा है ना, कितना टेस्टी, और किसका कलर कितना परफेक्ट आया है। तो ये कलर डिपेंड आप पे करता है कि आपने इसे कितने देर और कैसे पकाया है। मैंने ये फर्स्ट कलर जो था, इसे एकदम स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाया था। इसका कलर डार्क है, बाकी को मैंने 2 ही मिनट पकाया था तो थोड़ा कलर लाइट आया।
बट इसका जो कलर था ना ये सबसे परफेक्ट कलर था। और इसके बाद अगर हो सके तो आपका जो पैन है ना उसे आप हमेशा साफ़ करते रहें, तो जो आपका केक है वो बहुत बेस्ट बनेगा। मतलब ऑयल लगा के थोड़ा सा उसे टिश्यू से साफ़ कर लें, और इस तरह से अगर आपके सारे डोरा केक परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए ये कलर थोड़ा लाइट आया, मैंने इसे थोड़ा जल्दी पलट दिया और इसे मैंने 3 मिनट तक रखा तो वो परफेक्ट कलर में बना है। तो यहाँ पे देखिए इतने बैटर से 8 डोरा केक बन के रेडी हुए हैं, ये 8 है। ये देखिए एक इसमें ख़राब हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्यों हुआ। मैंने जब भी बैटर यूज़ किया ना केक का, तब मैंने उसे अच्छे से मिक्स किया, पर इस टाइम पे ये लास्ट का था, मैंने बैटर को अच्छे से मिक्स नहीं किया, मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो ये केक थोड़ा मोटा, और देखिए साइड से ये कैसा बना है। तो आप जब भी बनाएं तो उसे बैटर को अच्छे से मिक्स करके तो ही बनाएं। यहाँ पे जो डेरी मिल्क चॉकलेट लिया था मैंने, ये पूरा मैंने एक बोल में निकाल के इसे गर्म पानी में रख दिया था और ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसे हम अपने हाथों से या चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें ये चॉकलेट का जो हमने जो लिया है चॉकलेट को सॉरी जो चॉकलेट हमने लिया है ना, ये सारे डोरा केक पे हम लगाएंगे। मतलब 4 डोरा केक पे लगाएंगे हम, और 4 को इसके ऊपर से कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इसे, यहाँ देखिए इसे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया चॉकलेट को, और इसे बस ऐसे हमने इसे कवर कर दिया। तो ये देखिए जो डोरा केक है बन के रेडी है। वैसे आप है ना इसे लगा करके अगर आप डेयरी मिल्क लगा रहे हो थोड़ी देर तक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा इसे लगाने का। चॉकलेट जो थी वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी, तो ये पूरे हाथ में ना लग रही थी बार बार। और ये देखिए कितनी सुपर स्पंजी ये केक बन के रेडी हुआ है, और ये खाने में बहुत यम्मी था, पर ये चॉकलेट है ना थोड़ा परेशान कर रहा था। तो आप इसे थोड़ा सा सूख जाने दें, उसके बाद कट करें और इसे घर पे बना के एंजॉय करिए। चलिए अब मैं मिलूंगी अगली वीडियो में।